नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं बड़ी बात। हरियाणा में विधानसभा का आज बजट सत्र का दूसरा दिन रहा। बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में जमकर हंगामा देखा गया। विपक्ष ने सरकार को आंगनबाड़ी वर्कर्स और साथ ही एसवाईएल जैसे मुद्दों को लेकर घेरने की तमाम कोशिशें की। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बखूबी जवाब भी दिए। साथ ही कांग्रेस ने सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर पकौड़ा पॉलिटिक्स की। बेकार हो गए हैं, इनको रोजगार तो देना ही है ना, तो रोजगार देने के नाते से हम तो इनको पैसा दे रहे हैं। ये पकोड़े वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। कभी भी नहीं कहा कि आंगनवाड़ियों को पक्का करेंगे। तो बजट सत्र के दूसरे दिन हरियाणा विधानसभा में आंगनवाड़ी के मुद्दे पर चर्चा हुई तो सीएम की ओर से साफ कर दिया गया, या कहें कि स्टैंड क्लियर कर दिया गया सरकार का, कि हमने कभी भी उनको पक्का किए जाने का वादा नहीं किया था। कोई कुछ भी मांगेगा इसका मतलब ये नहीं है कि उसे दे दिया जाएगा। तो बातें सीएम साहब विधानसभा के दौरान कह रहे थे। ये भी अपील की गई कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो कि हड़ताल कर रही है काम पर वापस लौट आए। एक बात को बार बार कहा जा रहा है और मुझे इस पर सख्त आपत्ति है। हमने कभी भी नहीं कहा कि आंगनवाड़ियों को पक्का करेंगे, कभी भी नहीं कहा। और इसलिए इस बात को कह करके हम मीडिया के माध्यम से उन कर्मचारियों तक या उन श्रमिकों तक ये बात पहुंचाएं कि हमने कोई बात कही। आखिर कम से कम तथ्य होते हैं। तथ्यों को यदि हम तथ्यों के रूप में रखेंगे कोई आपत्ति नहीं। कभी भी नहीं कहा हमने आंगनवाड़ी को पक्का। मैनिफेस्टो जारी किया, उस मैनिफेस्टो में एक भी जगह हमने लिखा कि आंगनवाड़ी को पक्का करेंगे। एक बात। दूसरी बात, मैं कुछ तथ्य और भी सामने रखना चाहता हूं, जो इतिहास के तथ्य हैं, जो मेरे पास अभी मिले हैं मुझे। आखिर ये योजना केंद्र सरकार ने 2004 और 5 में शुरू की थी और 2004-5 में केंद्र की ओर से 1,000 रुपया महीना इनको मिलता था। और आज भी रिकॉर्ड ये है कि सारे देश में जो हमारा आज भी 10,500 है मैक्सिमम, अगर किसी प्रदेश में है तो आज 11,429 रुपया केवल हरियाणा में है, केवल हरियाणा। एक मार्च से देना शुरू कर देंगे। हमको सारे प्रदेश की बाकी स्थितियां देखनी है। कोई भी डिमांड आकर के कुछ भी करेगा, उनकी डिमांड है 18,000 रुपया दो हमको। आखिर एक तरीके से चीजें बढ़ाई जाती हैं, 7,500 से लेके आज 11,400, 4,000 रुपया एक साथ बढ़ना। कोई तो परसेंटेज भी तो होती होगी, कोई सिस्टम भी होता होगा। और फिर जो हमने आज एक नियम बनाया कि इनको एक श्रमिक के नाते से कुशल श्रमिक और यानी अर्धकुशल श्रमिक, ये दो श्रेणियां आपने तो कभी नहीं की। आपने तो केवल उनको हेल्पर के रूप में, वॉलंटियर के रूप में रखा। हमने कम से कम उनको श्रमिक की श्रेणी में लाए हैं। उसके अतिरिक्त किसी के भी मांगने से कुछ ही मिलेगा ऐसा नहीं है, हमारा ये निर्णय है। और इसके बाद मेरी अपील है कि ये सब बहनें जा करके अपने अपने काम में जुटे। हमने इनके लिए पर्याप्त जितना पिछली सरकार ने किसी ने नहीं किया उतना हमने किया है। और इस अपील के नाते से मैं कहता हूं कि अपने काम में जुटे। तो मुद्दे कई थे जिनको लेकर सरकार को घेरा जा सकता था, घेरा गया भी, लेकिन एक मुद्दा जो है कांग्रेस को ज्यादा पसंद आया, वो मुद्दा आपको बताएंगे। दूसरे दिन कांग्रेस पीछे नहीं रही। सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस ने सदन की पकौड़ा पॉलिटिक्स सदन के बाहर की। इस दौरान स्टॉल्स लगाए गए। कांग्रेस विधायक दल के नेता किरण चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस विधायक पहुंचे, बाकी नेता भी उपस्थित रहे। और खास बात ये रही कि कांग्रेस ने पकौड़े बेचे और हरियाणा के मुखिया ने पकौड़े खरीदे। विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। मंगलवार को बजट सत्र का दूसरा दिन भी जोरदार हंगामे के साथ शुरू हुआ। कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर पकौड़े बेचकर प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे खास नजारा ये रहा जब सूबे में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों से सीएम ने खरीद कर पकौड़े खाए। कांग्रेस के विधायक उस वक्त हैरान रहे जब खुद सीएम ने पकौड़े खरीदे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल से पकौड़े खरीदे। रेट का ये देंगे उसी रेट से, आगे इनकी कमाई होगी ना, खाली बैठे पकौड़े बेकार हो गए हैं। इनको रोजगार तो देना ही है ना, तो रोजगार देने के नाते से हम तो इनको पैसा दे रहे हैं, फिर भी पकौड़े नहीं दे रहे हमको। वहीं दूसरी ओर सबसे हैरान कर देने वाली बात ये रही कि कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने पकौड़े लेकर विधानसभा के अंदर नहीं जाने दिया। कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस पकौड़े बेचकर पकौड़ा व्यापारियों का अपमान कर रही है, जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। ये पकोड़े पे मारे जाएंगे, इनको पता नहीं ये कहाँ पे रहे, भोले लोग हैं। चाय वाले का मजाक करके महंगा पड़ा था, ऐसे ही पकोड़े वाले का।
का मजाक इनको महंगा पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि गरीब आदमी पकौड़ा बेचता है और ये पकौड़े वालों का मजाक उड़ा रहे, बहादुरगढ़ का मजाक उड़ा रहे, पकौड़े के शहर का मजाक उड़ा रहे, पकीड़ वाले पकौड़े वाले गरीबों का मजाक उड़ा रहे। मैं पकीड़ों वालों का आदर करता हूँ, चाहे पकौड़े कांग्रेस बेचे और चाहे कोई और बेचे, मैं पकौड़े वालों का आदर करता हूँ। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पहले कांग्रेस ने चाय बेचने वालों का अपमान किया था, अब पकौड़े बेचने वालों का अपमान कर रही है। साथ ही कांग्रेस विधायक शकुंतला खटक ने कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा को पकौड़े भेंट किए। कैबिनेट मंत्री शर्मा ने कहा कि कर्ण दलाल का पहला सवाल लगा था वो बाहर कच्चे तेल के पकौड़े बेच रहे हैं। रामविलास शर्मा ने कहा कि कांग्रेस त्रिपुरा और मेघालय की हार का जश्न मना रही है और पकौड़े तल रही है। वैसे तो हरियाणा में इन दिनों मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन विधानसभा के बाहर इस तरह से पकोड़े बेचे जाने ने सियासत को गर्मा दिया है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो सदन के बाहर क्या हुआ, सदन के अंदर क्या हुआ, जनता के मुद्दों को लेकर चर्चा कितनी हुई और हंगामा कितना किया गया, चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढिंगरा हमारे साथ हैं, साथ ही बीजेपी विधायक डॉक्टर पवन सैनी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे इस चर्चा में। इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ रविन्द्र ढुल हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन रॉय हैं स्टूडियो में, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्य हमारे साथ इस चर्चा में उपस्थित हैं। सबसे पहले सरकार का पक्ष, सैनी साहब क्या कुछ रहा आज सदन में? देखिए, सदन में रूटीन के हिसाब से कल महामहिम राज्यपाल जी ने सरकार का विज़न डॉक्यूमेंट रखा, अभिभाषण किया और आज पहला एक घंटा जो प्रश्नकाल का होता है उसी प्रकार से प्रश्नकाल हुआ एक घंटे का। और उसके बाद हमारे अभय सिंह यादव जो नांगल चौधरी से विधायक हैं, उन्होंने फर्स्ट करना था अभिभाषण का, उसके बाद सेकंड ज्ञानचंद गुप्ता जी ने किया, वो किया। रूटीन का जो बिजनेस था वो आज सेशन के अंदर हुआ है और विपक्ष के नेता ने भी अपने विचार उसके ऊपर राज्यपाल के एड्रेस पे रखे जी। विपक्ष ने जिन मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिशें की, क्या सरकार के पास जवाब थे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। देखिए, जहां प्रतिपक्ष के नेता ने SYL का जिक्र किया, इनकी भी सरकारें रही हैं और इनके पगड़ी बदल जो साथी हैं पंजाब में उनके साथ भी सरकारें रही हैं। जब ये सुनिए, हाँ देखिए, हम छोटे पार्टनर थे, वो बड़े पार्टनर थे, ये एक अंतर उसमें बहुत काफ़ी ज़रूरी था। लेकिन उसके अंदर की मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ, जब सरकार में हम हिस्सेदार थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के हमारे 6 विधायक थे, उन 6 को 6 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से जो है ना छोड़ करके हरियाणा के सभी 6 जिलों 6 स्थानों से यात्रा निकाली और जन जागरण किया SYL के लिए। उस समय हमारे मुखिया ने लोगों ने कहा, विधायकों ने भी कहा, ठीक है तमाम चीजें सुनिए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, जब विपक्ष भी सवाल कर रहा है, हरियाणा की जनता खास तौर पर दक्षिण हरियाणा की जनता जब SYL को लेकर सरकार से सवाल पूछती है, क्या सदन में जवाब मिलते हैं, इस बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल, हमेशा हमारे जो मंत्री हैं उन सब ने जवाब दिया, बल्कि ये भी कहा पिछले दिनों इंडियन नेशनल लोक दल के लोग इधर राजपुरा साइड में गए, हमारे सीएम गोयल जी ने कहा मैं दूध जलेबी खिलाऊंगा और मैं डॉक्टर के नाते मैंने कहा बी कसूल के कैप्सूल मैं खिलाऊंगा आपको। वो सड़क पे जो है ना उखाड़ उखूड़ के चले गए और वहाँ कोई, ये दरअसल मैं बताऊँ, ये जल बचाने की बात नहीं हो रही है, ये दल बचाने की बात हो रही है। और जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने, जो सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के हक के अंदर जो फैसला दिया पानी लाने का, उसकी एग्जीक्यूशन की बात है, जो पंजाब की सरकार ने जो एक काला बिल पास किया था उसको निरस्त करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है, अब उसकी एग्जीक्यूशन की बात है, उस पर सरकार जो है ना निरंतर गंभीरता से विचार कर रही है और हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा। जहां दूसरी दल कांग्रेस की बात, आप क्या निर्माण कार्य की दिशा में आप लोगों ने काम किया कि बजट सत्र के दौरान ये मुद्दा ही ना उठता, ना इनेलो को मुद्दा मिलता, ना कांग्रेस को मुद्दा मिलता? अगर किसी भी दल ने राजनीति की है तो क्या बीजेपी उससे अलग कर रखी है? नहीं नहीं, देख, मैं जब मैंने कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, रत्ती भर भी कोई मुद्दा नहीं है, केवल कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल मुद्दा भी नहीं विपक्ष है। देखिए, जिस तरह से प्रदेश और देश के साथ भाजपा ने जिस तरह से धोखा किया, आप ये देखिए, मोदी जी के बयान होते थे 2 करोड़ नौकरी पर ईयर देंगे, आज वो 8 करोड़ नौकरी हरियाणा की जनता के पास कहां, पूरे देश की जनता के साथ कहां है? जहां तक हरियाणा की जनता के साथ है, आज 3.5 साल के अंदर सिर्फ 7,000 नौकरी देने का काम किया। जब तक जो लोग नौकरी चाहते हैं, जो लोग इंजीनियर बन चुके, जो लोग MBA पास कर चुके, जो लोग डॉक्टर बन चुके, उन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। आज ये कह रहे हैं कि वो लोग पकौड़े बेचे,
आप इस तरीके से अगर काम करेंगे तो अच्छे दिन कैसे आएंगे सर, जो जिस तरह से मोदी जी ने वादा किया था कि ये कांग्रेस अच्छा राज नहीं कर रही, जिस तरह हम राज में आएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे। ये इस तरह के अच्छे दिन लाएंगे कि पकौड़े बिकवाएंगे सबको, और ये डॉक्टर्स के, इंजीनियर से, या जो एमबीए पढ़ा हुआ बच्चा है वो क्या पकौड़े बेचेगा। ये इस तरह की बात की ओर से कहा गया कि आप पकौड़े बेचने वाले का अपमान कर रहे हैं इस तरह की राजनीति करके। देखिए मैं पहले तो इसमें पकौड़े बेचने वाले का अपमान नहीं है, पकौड़ा बेचना और ये बात करना दोनों में फर्क है। जिस समय मोदी जी अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं उस समय कहते हैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और जिस समय खट्टर साहब जब इलेक्शन का दौर होता है तो हम 40 लाख नौकरियां देंगे। आज जो है अब लोगों को ये रोजगार देंगे कि जो एमबीए पढ़ चुका, जो इंजीनियर बन चुका, जो डॉक्टर बन चुका, ये उनको आप पकौड़ा बेचना सिखाना चाहते हैं। वो लोग आज देखिए, गरीब आदमी, अमीर आदमी, सभी आदमियों को इस सरकार ने क्या दिया, आप ये देखें, आंगनवाड़ी जो है वो सड़कों पे है, आप देखिए गैस टीचर सड़कों पे है, नर्सिंग वाले सड़कों पे है, आप ट्रांसपोर्ट वाले सड़कों पे है, कौन सा आदमी सड़कों पे नहीं है, और वो लोग क्या कर रहे हैं। हाँ। लेडीज पवन सैनी साहब, देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं, किस तरह से नारेबाजी है इनके खिलाफ, विपक्ष के अलावा बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं, बहुत सारे महकमों से लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर आ चुके हैं, विधानसभा घेराव की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसी बीच रोजगार का एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया पैनल पर। देखिए पहली बात तो मैं ढींगड़ा जी से निवेदन करना चाहूंगा, इनकी सरकार में ये पकड़ पकड़ कर लेकर के आते थे, चलो तेरे को नौकरी लगाऊंगा, चलो तेरे को नौकरी लगाऊंगा, ये स्थिति इन लोगों की पैदा की हुई है। देखिए सुनिए, मैं देखिए ढींगड़ा जी, मैं ऐसी बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहता जहां इस प्रकार के जो वातावरण क्रिएट ना हो। मैं मुझे मेरा जवाब सुनिए आप, ये प्रदेश के इतिहास के अंदर पहली बार मनोहर लाल जी ने इन्वेस्टर समिट की, 5,84,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए, उस दिशा के अंदर सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई है, और 1966 के अंदर हरियाणा बना था, तब से लेकर के अब तक आज, सुनिए सुनिए मेरी, सुनिए देखिए मैडम जी मेरी बात सुनिए, मेरी सुनिए, आज 6 तारीख है मार्च की 2018 है, जिस दिन से सरकार ने अपना कार्यभार संभाला है तब से लेकर के अब तक इतने टाइम पीरियड के अंदर जितनी नौकरियां लगी हैं हरियाणा के इतिहास में 66 अब तक, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इतने टाइम पीरियड में कोई नौकरी नहीं दी है। नहीं, आप मुझे कल बुलाइए, आप सारे डाटा लेकर आइए, मैं भी कल डाटा लेकर आऊंगा। सक्षम के माध्यम से जो हमारे PGT है, हमारे जो TGT है विद्यार्थी, उनको जो है ना, उनको 9,000 के हिसाब से दे रहे हैं, और लगभग 15 देखिए अगल सुनिए लगभग 15 सुनिए मैं आपके से लेकर मेरे पास सारे लगभग 15 मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास सारे डाटा है। इन लोगों ने गैस टीचर को सड़कों पे लाने का काम किया, हमारे सरकार ने उनको दिया, लगभग 9,500 JBT टीचर्स थे। चलिए एक एक करके बोलेंगे रविंद्र डू साहब, सीएम साहब के, मनोहर लाल खट्टर साहब के कार्यकाल में अभी तक जितने रोजगार दिए गए थे कोई भी सीएम नहीं दे पाया। बिल्कुल सबसे बड़ा झूठ है ज्योति, और ये इस झूठ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पिछले कई लंबे समय से जो है कार्य कर रही है। सबको पता है कि इनकी जितनी भी भर्तियां हैं कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट के अंदर लंबित भी है, और वो सारी की सारी किसी ना किसी प्रकार की इरेगुलरिटी, ऐसा नहीं है कि इरेगुलरिटी, आपकी जो ड्राइवर भर्ती हो वहाँ पर जो है टेस्ट क्लियर करवाते हुए GM है, इनके GM अरेस्ट होते हैं, आपके पेपर लीक का मामला, जितनी भी भर्तियाँ मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जहाँ पर पेपर लीक नहीं हुआ हो, और पेपर लीक तो हो रहा है, एक ही व्यक्ति पेपर लीक कर रहा है, उसके खिलाफ कोई जांच ये सरकार करवाती नहीं है, तो इस चीज का जो है आम व्यक्तियों को पता है। अभी मैं आपको एक और बड़ी गजब की चीज बता देता हूँ, HPSC की भर्तियां चल रही है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके अंदर में मैं आपको बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए, जो है 2 ऐसे अभ्यर्थी वहां पर हैं आपके रोहतक के अंदर, जिनके अगर HPSC के लोग खुद जाकर के पहुंचे कि इतने पैसे दीजिए आपका हम इंटरव्यू क्लियर करा देंगे, क्योंकि उनका रिटर्न क्लियर था, तो इनके कथित ईमानदारी के दावे जो है उनको भी मैं देखिए, इनेलो ने जो है, इनेलो की जो स्टूडेंट इकाई है जो है उसने दिल्ली के अंदर ये प्रदर्शन किया था, इनसो को वहां पर लाठियां खानी पड़ी थी। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि
कांग्रेस को इतना प्रेम पूर्वक वातावरण मिला और इन सौ के ऊपर वहां पर लाठियां पड़ी। जी ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा है कि इस चीज के लिए जो है इनको सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि प्रमुख मुद्दों से हटा करके जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ज्यादातर जो है इस प्रकार की चीजों के ऊपर चर्चाएं पूरे देश के अंदर चलवा देते हैं जिनकी कोई भी आम धरातल आम व्यक्ति की जरूरत से और उनसे कोई लेना देना नहीं है, उस चीज के ऊपर इनको उत्तर देना चाहिए कि क्या हमारा डिफेंस बजट, क्या हमारा फूड का बजट, क्या हमारा एजुकेशन का बजट, क्या हमारा शिक्षा का इरिगेशन का बजट, इस तरह की चीजों के ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए या इस प्रकार की चीजों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा को ये खुद डेविएट करते हैं और ये चाहते हैं कि इस प्रकार की चीजों के ऊपर चर्चा हो जिनका आम व्यक्ति की चीजों से कोई सरोकार ना हो, जन सरोकार ना हो कम से कम। अनिल आर्य जी, किस तरह की राजनीति है कि पकौड़े विपक्षी दल बेचता है कांग्रेस की ओर से, हालांकि बेचे गए और सरकार पकौड़े खरीदती है। ज्योति जी देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो बयान था वो एक सिंबॉलिक बयान था कि बेरोजगार जो आदमी है वो कोई इनको स्वरोजगार करें, लेकिन विपक्ष उसके ऊपर अपनी तरह भी टिप्पणी करेगा क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करके ये सरकार में आए हैं कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतने सब करेंगे। बाकी मैं सबसे पहले तो पवन सैनी जी को एक बात बताना चाहूंगा, इन्होंने अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे विधायकों ने SYL के ऊपर इस्तीफे दिए थे, इन्होंने उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखा था, मात्र 5 महीने पहले इन्होंने इस्तीफे दिए थे अगले इलेक्शन से पहले, और आज भी SYL ऐसे ही है जैसे उस हाल में थी। आज भी केंद्र में भी आपकी सरकार है, यहाँ भी आपकी सरकार है, इतने सालों से लगभग 3 साल होने को, आप ये बताएं आज आपने क्या किया है, कोई पानी लाने का काम किया है। और सरकारों में तो ज्योति जी जैसे आज मैं विधानसभा में देख रहा था कि कोई पार्टी में फर्क नहीं है, सारी पार्टियों के जो आपस में आरोप लगा रहे हैं, मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि ये सच बोल रहे हैं सारे के सारे, आप इनकी नूरा कुश्ती को ना देखें, इनके आरोपों को देखें, सारे ही सच बोल रहे हैं। जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो भी सच है कि ये चोर हैं, अगर बीजेपी वाले या कोई दूसरे लगा रहे हैं आरोप वो भी सच है, हमें सिर्फ इनकी सच्चाई को देखना है कि जब इनकी सत्ता आती है तब ये क्या करते हैं, जब इनकी सत्ता आती है तो क्या करते हैं। राजीव रंजन जी, आज जिस तरह की सदन के बाहर राजनीति देखी गई उस पर कमेंट आपका। देखिए इसमें जहाँ तक पकौड़ा वाली बात है, देखिए ये जॉब से सीधा जुड़ा हुआ मामला है, अगर आप जो हमारा लाइव रजिस्टर जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, तो उसमें हरियाणा में देखा जाता है कि 10 से करीब 12 लाख यूथ्स उस पर रजिस्टर्ड रहते हैं ऑन एन एवरेज, जो जॉब के लिए इंतजार करते हैं। यह बात सही है, 10 से 12 लाख यूथ्स को एक बार में जॉब आप नहीं दे सकते। दूसरा ये होता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं उसको आप फिलअप कराएं, तो उससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि जो कम से कम एग्जिस्टिंग वैकेंसीज है उसको हमने फिलअप कर दिया तो काफ़ी लोगों को उसे नौकरी मिल जाती है। उसके बाद फिर जो तीसरा तरीका होता है वो होता है स्किल डेवलपमेंट की तरफ। अभी गवर्नर साहब ने जो स्पीच दिया उसमें देखिए जॉब रिलेटेड बड़े 3 इंपॉर्टेंट फिगर्स थे। पहला उसमें उन्होंने कहा क्या कि हमने तकरीबन 20,000 यूथ्स को, देखिए गवर्नर के स्पीच का मामला है, उन्होंने सदन में ये बात कही और सदन पर वो पेपर रखा गया, तो ये हम इसको पवित्र मानते हैं, हम इसकी ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसमें उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 20,000 लोगों को इस सरकार ने अभी तक नौकरी दे रखा है। उन्होंने उसी में अगले पैराग्राफ में है कि 50,000 नौकरियों का प्रोसेस चल रहा है। उन्होंने फिर उसी स्पीच में एक पैराग्राफ उन्होंने मेंशन किया कि यहाँ 4 जॉब फेयर्स लगे और उसमें करीब 30,000 प्लस यूथ को नौकरी मिली, जिसको हम प्रिज्यूम करते हैं कि शायद वो प्राइवेट सेक्टर में मिला होगा। फिर उसी स्पीच में उन्होंने यह भी कहा है कि तकरीबन हमने 50,000 यूथ्स को स्किल हमने प्रोवाइड किया है। तो अगर सारा डेटा को आप मिला करके देखते हैं तो ये करीब 1,00,000 का बनता है। हम प्रिज्यूम करते हैं कि आने वाले एक टाइम में चुनाव के पहले सबों को नौकरी भी मिल जाती है, तो ये फिगर जो उन्होंने प्रॉमिस किया था और जो एग्जिस्टिंग फिगर उसमें डेफिसिट है, वो एक डेफिसिट है। और मुझे लगता है कि अगर हम उस फिगर की तुलना लाइव रजिस्टर से करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो बच्चे उन्होंने अपना इनरोलमेंट करा रखा है, तो फिर बहुत बड़ा गैप है। तो एक बात ऑब्वियस है कि आप सबको नौकरी नहीं दे सकते, सबको नहीं कर सकते। पकौड़ा वाली बात को मैं, इस बात से मुझे बड़ा आश्चर्य होता कि पकौड़ा का जो जिस कंटेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर सर ने कहा था उसका उन्होंने तक, जहां आप कुछ अगर नहीं करते हैं तो कुछ टू मतलब अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए कुछ काम करा, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि इसका एक मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है और पॉलिटिक्स में उसको आप रोक नहीं सकते हैं। कांग्रेस हो चाहे वो INLD हो, वो अपने हिसाब से सिचुएशंस को इंटरप्रेट करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि वो आपके ऊपर टेबल को टर्न करेगा, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। पवन सैनी साहब, क्या इस मुद्दे को लेकर पकौड़े जो मुद्दा बनाया जाएगा उसे लेकर 2019 में आप लोग जाएंगे, जिस तरह से कैबिनेट मंत्री OP धनखड़ कहते हैं कि चाय वाले का मजाक उड़ाया गया था 2014 में, अब पकौड़े वालों का मजाक उड़ा रखे हैं, भारी पड़ेगा। मैं दोबारा से फिर अपनी बात को दोहराता हूँ, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और जिस प्रकार से मेरे दोनों आसपास दोनों मेरे साथी हैं, आर्य जी हैं, रजनीत जी हैं, जिन्होंने कहा, जिस परिप्रेक्ष्य के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा
इनके पास कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, उसको तोड़ मरोड़ करके ये पकोड़े बेचने चाहिए, एक एमएससी का लड़का जो है ना जिसने हाईली क्वालिफाइड वो पकोड़ा बेचे, काम कोई भी छोटा नहीं है। पहले चाय बेचने को लेकर के इन्होंने कहा प्रधानमंत्री क्यों बने हैं, मणिशंकर अय्यर जी ने कहा वो चाय बेचें, अब पकौड़े को लेकर के कह रहा हूँ। मेरे कुक्षेत्र के अंदर एक गोपाल पकौड़े वाला है, उसने 6 लोग आगे कर्मचारी लगा रखे हैं और बुकिंग करवानी पड़ती है, और मेरे लाडवा के अंदर भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ काम कोई छोटा नहीं है, जिस परिप्रेक्ष्य के अंदर जिस संदर्भ मुद्दा बनाएंगे इसे, जिस तरह से चाय पर चर्चाएं की गई, क्या पकोड़े को भी इसी तरह कांग्रेस के पास नहीं है, देखिए 2019 में बीजेपी की ओर से आज गोयल सर, गोयल जी ने आज पकोड़े पे चर्चा ऑर्गेनाइज किया अपने घर पे, उन्होंने पत्रकारों को बुलाया था। ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पकोड़े पे चर्चा को चुनावी मुद्दा बनाएंगे। केवल ढिंगरा साहब, आप लोग भी मदद करेंगे इन लोगों की चुनावी मुद्दा बनाने में? देखिए आप ये देख रही है 3.5 साल के अंदर 13 पेपर लीक घोटाले हुए। आप HBSC का 12वीं क्लास का पेपर लीक हुआ, HTET का पेपर लीक हुआ, केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर्स का पेपर लीक हुआ, क्लर्कों के पेपर लीक घोटाला हुआ, एक्साइज इंस्पेक्टरों का लीक हो गया पेपर, HBSC का 9वीं क्लास का पेपर लीक हो गया, NEET का पेपर लीक हो गया, फार्मेसी का पेपर लीक हो गया, HCS जुडिशियल का भी पेपर लीक हो गया, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर्स का पेपर लीक हो गया, कंडक्टर्स भर्ती का पेपर लीक हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजेस का पेपर लीक हो गया। आप ये देखे बनाने में मदद नहीं कर रहे हैं बीजेपी जितने पेपर, देखिए वही उसी पे आ रहा हूं ना मैं। देखिए पहले ये तो गिनाना पड़ेगा कि 13 पेपर लीक हो चुके 3.5 साल के अंदर, भर्ती कहां हुई, और ये भर्ती अभी राजीव रंजन जी ने 1 लाख पे पहुंचा दी। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ गवर्नर कौन स्विच में है, मैं कह रहा हूँ गवर्नर स्विच कुछ हो, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास ऑथेंटिसिटी, जो सरकारी रोजगार होता है, जो गवर्नमेंट का रोजगार है, वो ऑथेंटिसिटी क्या है? आपने वो 20,000 कही, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय 9400 JBT टीचर जो लोग तो हाई कोर्ट के थ्रू आए, उसको कैसे गिन लेंगे ये अपने खाते में? 7,000 के करीब इन्होंने सिर्फ रोजगार दिया, वो आज ऑथेंटिसिटी में आंकड़े बोलते हैं। और जहां तक दूसरी बात है, जितने भर्ती घोटाले, देखिए 5,000 मैंने आपको 13 भर्ती घोटाले अगर ये नहीं हुए, आपको बताना चाहूंगा जो जुडिशियल का भर्ती घोटाला हुआ पावर के अंदर उसके अंदर दोबारा से काम पर लेकर के आए हम लोग। मैंने ये कहा कि 13 भर्ती लीक घोटाले हुए, आज आप उसको डिनाइल कीजिए। जिस प्रकार जो यह मैं गलत कह रहा हूँ, जिस प्रकार से पारदर्शिता से आज नौकरी दी जा रही है, रोजगार देने की बात है, राज्य के अंदर कोई आदमी सोच नहीं सकता है साढ़े तीन साल मिलेगी, जब आपका साल बचा 1 साल, गरीब का मजदूर का, किसान का, छोटा छोटे परिवार का बच्चा नहीं, वो कह सकता ना कहीं अधिकारी लग सकता हूँ, साहब आपको दर्शक नहीं सुन पा रहे सर, रिक्वेस्ट है एक एक करके बोलिए, छोटा सा कमेंट फिर ब्रेक पे जाएंगे। बिल्कुल जिस तरह से पकोड़ा राजनीति जो की जा रही है, कांग्रेस भी उसमें मदद कर रही है, 2019 में मुद्दा ये बन सकता है बीजेपी की ओर से? नहीं नहीं, ऐसा कोई, ये मैं बता रहा हूँ ना, बेसिकली प्रमुख जो मुद्दे हैं उनसे कहीं ना कहीं भटकाने का एक प्रकार का तरीका है। मेरे लिए स्पष्ट रूप से आज भी शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, इरिगेशन, सिंचाई और ये मुआवजा, ये आज भी मेरे लिए इतने ज्यादा बड़े मुद्दे हैं किसी भी बीजेपी के लिए मुद्दा बन सकता है, जिस तरह से चाय पर भारतीय जनता पार्टी बेसिकली लोगों के इमोशंस के साथ में खेलने में वो है। जहां हमने चाय की बात की, इन्होंने चाय की बात की, हमने चाय की बात की, इन्होंने कहा कि लोगों ने, हमने गरीबों का अपमान कर दिया। इस प्रकार से जो है लोगों की भावनाओं के साथ खेल करके एक वोट बैंक बनाने की, तो हम पकोड़ा खाकर पकोड़ा पॉलिटिक्स पे चर्चा कर रहे हैं कि बाहर जो पकोड़ा पॉलिटिक्स हुई उसके साथ साथ जो लोग पकोड़े खाकर अंदर गए उन्होंने सदन में किस तरह से चर्चा की, और जो पकोड़े खरीद कर जो बेचकर अंदर गए उन्होंने किस तरह की चर्चा की, जनता के हितों को लेकर किस तरह से चर्चा की गई या फिर सियासत की भेंट चढ़ा, ये दूसरा दिन। कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ और बीजेपी का पक्ष जानेंगे। पवन सैनी जी, क्या लगता है SYL के मुद्दे को जितनी गंभीरता दी जानी चाहिए थी दूसरे दिन उतनी दी गई? देखिए पिछला जो 10 साल का कार्यकाल का, उससे पहला भी मैंने आपको कहा है, पहले में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो 10 साल का पूरा कार्यकाल गया है उसमें नेता प्रतिपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने भी किया,
टस से मस नहीं हुआ मामला, लेकिन जब से हरियाणा के अंदर मनोहर जी की सरकार आई है तब से पूरा केंद्र के नेताओं से इंटरफेयर करके इस की बार बार जल्दी जल्दी केंद्र के नेताओं ने कहां इंटरफेयर किया, जहां तक अदालत की बात थी वहां आप कह सकते हैं कि पैर भी हम लोगों ने मजबूती से कर पाए। मैंने कहा देखिए हमारा नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उसे बार बार जो है उसके अंदर सुनवाई करके आज प्रदेश के मतलब हित के अंदर, प्रदेश के हक के अंदर ये निर्णय हुआ है। ये सुनिए देखिए देखिए ढींगड़ा जी मुझे मत बोला ना कभी भी इस प्रकार के, अगर आप पैनल बनाए ना फैसला कब आया ये पूछना चाह रहा हूं। ये ऐसे पहले में मत बोलाना मुझे, कब आया दूसरा रणदीप सुरजेवाला जो दो दिन से सदन में भी नहीं आया, पिछले शासन के अंदर भी मेरे ख्याल में दो तीन दिन आया होगा वो व्यक्ति। जब पंजाब के चुनाव के अंदर जब घोषणा पत्र वहां जारी होता है वहां ये बोलता है मैं हरियाणा के लिए एक बूंद भी हरियाणा के लिए नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमने कहा निंदा प्रस्ताव लेकर के आना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव लेकर आना चाहिए। सीएम साहब ने जब ये बोला ये लोग हरियाणा में इतनी टेलर मैडम जी हम तो ऐसे देखिए सुनिए ना प्लीज कीप साइलेंस, जब आप बोलते हो मैं बोलता नहीं हूँ। मैंने पहले पूछा था ढींगड़ा रह गया, मगर चलो यार बहुत दिन हो गए आज क्या पता सुधर गए होंगे, लेकिन आप तो जौंके थे हो। देखिए पानी की बात में पिछली सरकार में यहाँ 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 जाना यहाँ एंकर से बात हो रही है, सवाल अपने आप में वाजिब है, इसका जवाब दे दीजिए कि फैसला आने के बाद सरकार ने क्या किया। देखिए जो नहरें थी, नहरों के टेल एंड थे, आज तक कभी वहां पर पानी नहीं पहुंचा, 99% टेलों पर पानी पहुंचा है। हमारे जो दूसरे विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, हमारे लोहारों से ओम प्रकाश बर, उन्होंने भी खुद भी कहा हमने जिंदगी के अंदर पहली बार यहाँ टेल पे पानी देखा है, वहाँ केवल सफाई भी नहीं। महेंद्रगढ़ से सांसद ये कहते हैं कि पूरी तरह से डार्क जोन है ये। नहीं डार्क जोन तो मेरा विधानसभा क्षेत्र भी डार्क जोन है, लाडवा भी आज मुझे वहाँ लगता पानी है, नहीं डार्क जोन मैं बता रहा हूँ, वाटर टेबल बहुत नीचे जा चुका है, लेकिन टेल एंड तक पानी पहुंचाने का किसी सरकार ने काम किया तो मनोहर जी ने किया है। अभी हम जो ना माइक्रो इरिगेशन की ओर भी हम लोग जा रहे हैं। चलिए सैनी साहब आप सुनेंगे, ऐसी मैं बता रहा हूं आपको कि सिंचाई विभाग ने जिस प्रकार का कार्य किया अधिकारियों ने, मंत्रियों ने नहीं, क्योंकि इनके तो प्रवक्ता यहां तक क्लेम करते हैं कि 40,000 करोड़ इन्होंने सिंचाई के ऊपर लगा दिया हरियाणा के अंदर, तो जो इनके अधिकारी हैं कुछ अधिकारी हैं विशेष, उनका बहुत ही उम्दा कार्य रहा है। और लगभग मुझे लगता नहीं है कि सभी विधायक इस समय पर विपक्षी विधायक चाहे किसी भी पार्टी के हो वो वहां जाते हैं जब डिपार्टमेंट के अंदर, वहां पे अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इशू कहां पर आती है, इशू ये यहाँ पर ये टेल्स आखिरी टेल के ऊपर पानी की पहुंचाने की बातचीत तो ये करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन जब बात आती है कि वहां पर जब आपके नेचुरल कैलामिटी के कारण जिस प्रकार का वहां पर वातावरण बन जाता है उसके मुआवजे की बात, आज तक सफेद मक्खी का मुआवजा हो चाहे आपका ओलावृष्टि का मुआवजा, कम से कम मैं अपने जींद के अंदर हमारे गृह क्षेत्र जुलाना के तो मैं स्पष्ट रूप से डाटा वाइज भी बता सकता हूँ, ये अलग अलग जगह पे बता पाएंगे। सभी अभी तक सबसे बड़ा मुआवजा, सबसे ज्यादा नुकसान भी तो इनकी सरकार में हुआ है, जहां नुकसान आएगा वहां पर मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है, उसको ये कोई इतना ये नहीं कह सकते कि हमने को बहुत बड़ा काम कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ज्योति हमारे वातावरण के पर्यावरण की, कि पिछले 5-6 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है पर्यावरण के साथ में दखल भी और जो है नुकसान भी कृषि क्षेत्र को, तो नुकसान बढ़ेगा तो मुआवजा भी बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो उसको उसके ऊपर इनको कोई बहुत बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जींद का तो आज तक 16,000 एकड़ का तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आज तक मुआवजा नहीं दिया, 3 साल से दर दर भटक रहे हैं किसान, तो ये कहना कि हमने ऐसा किया वैसा किया ये चीजें जो हैं बहुत दूर की बात है। एसवाईएल पर ही आएंगे, क्या एसवाईएल को लेकर विपक्ष फिलहाल राजनीति कर रहा है? नहीं देखिए एसवाईएल के लिए सुप्रीम कोर्ट से जब ऑर्डर आ गया तो बनाने में क्या नहर खोदने में क्या दिक्कत है, ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है,
आज तक प्रधानमंत्री से टाइम नहीं लिया गया, और खोदने की बात थी तो खुदवाते पहले, जब हाईकोर्ट ने ये वर्डिक्ट दे दिया और ये बात कह दी कि पहले नहर खुदे उसके बाद फैसला हो जाएगा, तो नहर खुदवानी चाहिए इनको। दूसरी बात, ये नौकरियों की कर रहे थे, उन्होंने क्या किया सर, जब कैप्टन वहां पर समझौता रद्द कर देते हैं, आप लोगों की सरकार रखी, सबसे ज्यादा आप लोग केंद्र में रखे, पंजाब की बात कर ले वहां भी ज्यादा रखे, हरियाणा में भी ज्यादा रखे, कांग्रेस ने क्या किया एसवाईएल को लेकर जो सदन में आप सवाल करेंगे बीजेपी से? देखिए, हरियाणा कांग्रेस जो है वो पूरे तत्पर है कि हमारा बूंद बूंद पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। हमने इसके लिए कहते हैं पंजाब के पास सकरी टेक भी बूंद पानी की नहीं है, क्या कांग्रेस एसवाईएल को लेकर सियासत कर सकती है सर? देखिए, मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं आपको हरियाणा की बात कर रहा हूं। पंजाब के पास एक अतिरिक्त बूंद नहीं है पानी देने के लिए हरियाणा को या किसी भी राज्य को। पंजाब का मुद्दा है, पंजाब वाले बताएंगे उनके पास पानी है या नहीं। विधायक है वो, कैथल से विधायक। देखिए, वो ज्योति जी एक बात सुनिए, क्योंकि पंजाब वाले से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि उनके पास पानी का बूंद है या नहीं है, लेकिन हरियाणा को बूंद चाहिए पूरी, और हमारा हिस्सा है 60-40 का, वो हमें मिलना चाहिए। तो ये बात जो है, आप ये बताएं कसूरी में पत्थर किसने रखा था सबसे पहले इस एसवीएल का? वो इंदिरा गांधी थी। जब कांग्रेस ने इस बात की शुरुआत करी कि पानी जो है वो हरियाणा को मिलना चाहिए, जब हरियाणा का बंटवारा हो गया तो पानी का भी बंटवारा होना चाहिए। लेकिन वो वहां जाकर जब ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर की बात नहीं तो मानकर चला जाए कि कांग्रेस का स्टैंड है ये एसवाईएल को लेकर। देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी की चीज तो ये पब्लिक है ही है, लेकिन एक और बड़ी चीजें हैं दुर्भाग्यपूर्ण। 2004 के अंदर जब ये पंजाब कांग्रेस ने जो दुर्भाग्यपूर्ण एक्ट पास किया था, जिसके ऊपर जो रेफरेंस 2016 में जाकर के आया, उस एक्ट को बनाने वाले कोई और नहीं थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेहद करीबी एक वकील, और जिन्होंने बाकायदा ये चीज एडमिट की है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, उनको करोड़ों रुपए। एक मिनट सर, बीच में नहीं, देखिए सर, गलत बात करें, बीच में नहीं, देखिए, वो उनको इन्होंने करोड़ों का बेनिफिट दिया। आज के दिन में भी मैं आपको बता दूं एक और बड़ी गजब की चीज, जो मानेसर चार्जशीट जो आई है, वो मानेसर चार्जशीट में जो है उनके खुद के बेटे का भी नाम है, जिन व्यक्ति के ऊपर मैंने नाम लिया, ठीक है, जिनके ऊपर मैंने नाम लिया। एक मिनट सर, एक मिनट सर, हाईकोर्ट ने स्ट्रक्चर बीच में मत करो, दूसरे के खिलाफ मैं कह रहा हूँ, उन व्यक्ति को जिन्होंने एसवाईएल का कानून बनाया, उन लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट देने वाले हुड्डा साहब, एक। दूसरी चीज, इन्होंने 2004 से 2014 के बीच में स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि 17 बार जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में एडजमेंट हुई, कभी भी इनके एक भी वकील ने कभी बहस करने का प्रयास नहीं किया। तीसरी चीज, राजीव लोंगोवाल के ऊपर आज भी हम स्टैंड करते हैं, जब उस समय विरोध करते थे, एक मिनट, राजीव लोंगोवाल में मेरी वो ले लीजिए, राजीव लोंगोवाल के आज हम भी स्टैंड करते हैं। राजीव बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे के ऊपर राजनीति होनी शुरू हो जाती है उसका कभी समाधान नहीं होता। सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस, जैसे दिंगड़ा साहब बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी पत्थर लगा के गई थी, तो अमरिंदर सिंह जी ने सारे जितने भी पहले के सारे समझौते थे वो सारे रद्द किए थे। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमने बहुत काम किया है, जितने भी सारे ये नहर जो आटी गई थी वो उस गवर्नमेंट में ये हिस्सेदार थे पिछली गवर्नमेंट में। बिल्कुल, और इन एलओ के टाइम में भी जब आपसी इनकी इतनी अच्छी इंटीमेसी थी, तो उन्होंने, बादल साहब ने कहा था कि हम एक बूंद भी पानी की नहीं देंगे, एक इतने बड़े नेता के लिए बहुत निम्न स्तर की स्टेटमेंट मैं कहूंगा ज्योति जी। तो बादल कहते हैं कि खून दे देंगे हम, हाँ, लेकिन पानी हाँ, बच्चा नहीं बच्चा देंगे, एक बच्चा बच्चा इसके लिए जान दे देगा, लेकिन हम एक भी पानी की बूंद नहीं देंगे। तो बेसिकली तो यह है कि कोई भी इसमें केंद्र को इंटरफेयर करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए, पानी जो है वो पाकिस्तान को देना मंजूर है, हरियाणा को देना मंजूर नहीं। जब पानी एक्स्ट्रा होता है कम से कम उस टाइम तो आप हरियाणा लोकवाल समझौते की बात में मैं क्लियर करूंगा। ज्योति जी, वो बहुत बड़ा जो है समझौता था, और उसमें बहुत सारी जो आपस की जो बातचीत थी वो पंजाब और केंद्र के बीच की थी, लेकिन उसमें चौधरी देवीलाल ने जो विरोध किया था उसमें दो धाराओं का विरोध किया था, 9 और 11 का। 9 जो धारा थी वो चंडीगढ़ को लेकर थी, और 11 जो थी वो पानी को लेकर थी। 11 धारा के अंदर ये कहा गया था पंजाब में केंद्र सरकार के साथ समझौते में कि जो पानी पंजाब मैक्सिमम आज की डेट में यूज कर रहा है, हम उससे
उतना ही पानी हम यूज करेंगे, हमें इससे कम हम पानी नहीं लेंगे। हाँ। चाहे पानी घटेगा तो भी बढ़ेगा तो भी, उसके लिए चौधरी देवीलाल तैयार नहीं थे कि हमें जितना भी पानी होगा उसका 40% हमें मिलना चाहिए। और उनका जो आंदोलन था वो बिल्कुल जायज था, मैं उसको जायज मानता हूँ। वो लोंगोवाल समझौते के विरोधी नहीं थे। वो देखिए ज्योति, राजीव लोंगोवाल समझौते को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के अंदर जो हमारा जो फैसला आया था डिक्री हरियाणा के पक्ष में, उसी में खारिज कर दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी ने खारिज कर दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गैर कानूनी है। इसका कारण ये है कि वो समझौता किसके बीच में हुआ था? क्या मुख्यमंत्री के बीच में हुआ था? राजीव गांधी ने समझौता कर लिया पंजाब के एक लीडर के साथ में। ये कौन सा किस प्रकार का समझौता है कि एक पार्टी के अध्यक्ष के साथ में एक लीडर के साथ में आप समझौता कर लीजिए? सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में बाकायदा अपनी जजमेंट के अंदर, जिसके तहत जो है हरियाणा के हित का पानी हरियाणा को मिला था, उसके अंदर खारिज किया है कि गैर कानूनी था राजीव लोंगोवाल। और जो ये गैर कानूनी सियासत इनके द्वारा प्रारंभ की गई थी, चंडीगढ़ को हम पंजाब को दे देंगे और पानी का जो बेसिक हमारा बीच का बंटवारे की चीजें हुई थी उसमें पानी कम कर देंगे, हमने केवल उन दो चीजों का विरोध किया था। आज भी हम उस चीज के ऊपर स्टैंड करते हैं। कांग्रेस बरगलाने का प्रयास ना करे, वोट देती है फिर तीनों ही दलों को। देखिए SYL पे तो मुझे लगता है कि हम और सैनी साहब ने भी कई डिबेट में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अगर हम पास्ट में ना जा करके देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल रास्ता क्लियर कर दिया कि SYL कैनाल बननी चाहिए और बनेगी। अब है क्या कि ईमानदार पॉलिटिकल प्रयास की बहुत ज़रूरत है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ दो चीज़ें हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो एक लीड रोल इसमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा। कांग्रेस का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चूंकि इसमें पंजाब इन्वॉल्व है। अब पंजाब में चूंकि ये मामला कॉम्प्लिकेट इसलिए इंटर स्टेट इशू होने की वजह से जमीन उन्होंने वापस किसानों को कर दिया है, जमीन को रीअक्वायर करना फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराना, तो दोनों को मुझे लगता है कि, और अब दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि जो एलिमेंट ऑफ ऑनेस्टी है वो शायद मिसिंग है। और मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का SYL नहीं बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, नहीं बने उसके लिए ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बने उसके लिए बिल्कुल न्यूनतम प्रयास हो रही है। सदन में आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर भी चर्चा की गई। सैनी साहब देखिए, सदन में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना सारा पक्ष रखा है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए। उन्होंने एक एक चीज बताई किस प्रकार से शुरू में इनका मानदेय 1000 था और बाद में ये भी बताया 2009 का चुनाव था, 2014 का चुनाव था लोकसभा का, कांग्रेस ने केवल घोषणा मात्र की थी लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो किया मनोहर जी की सरकार ने किया है। और अब भी उन्होंने सदन के अंदर कहा, जो उनके यूनियन के नेता थे उन सब ने मान करके, सारी बातें मान करके, सब ने मान करके, केवल एक 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 यूनियन के लोग थे, जाते टाइम उन्होंने भी कहा अगर ये दोनों मान गए हम भी मान जाएंगे। 11400 इतना पूरे देश भर के अंदर इतना कहीं भी इतना उनके मानदेय नहीं है। लेकिन कुछ जो है ना वामपंथी, कुछ वामपंथी यूनियन के नेताओं ने इस मामले को दोबारा से उठाने का प्रयास किया। लेकिन जिस प्रकार से देश की जनता ने इन लाल सलाम को जो है ना धकेलने का काम किया, और मैं ये कहता हूँ लाल गुलामी छोड़कर बोलो वंदे मातरम, ये हमारा देह है, उसका गढ़ भी 25 साल का उसका इनको जो है ना वामपंथी यूनियन के नेता जो भड़का रहे हैं उनको भड़का रहे हैं। लेकिन मैं ये भी मैं बताना चाहता हूँ, पिछली सरकारों ने केवल इनको वर्कर हेल्पर की संज्ञा दी थी, हमारी सरकार ने मनोहर जी की सरकार ने उनमें केवल वॉलंटियर थे, मनोहर जी की सरकार ने कविता जैन माननीय मंत्री जी ने सबने बैठ करके उनको स्किल्ड अनस्किल्ड श्रेणी के अंदर लेके गए। देखिए 2005 से पहले इन्होंने खुद सैनी साहब ने बोला कि 1000 रुपए मान देता। आज हमने जब आज की डेट में जब हमारी सत्ता में थे हम तो 7500 था उनका मानदेय, तो ये बाकी के अमाउंट क्या बीजेपी ने बढ़ाया था क्या? 1000 से 7500 कांग्रेस ने किया था उसको, और आपने आज तक वही 7500 आज भी दिया जा रहा है। आज आप चर्चा कर रहे हो, बातें कर रहे हो, 3.5 साल बीत गए, वो लोग सड़कों के ऊपर है, आप लोग उनको कुछ देना नहीं चाहते, सिर्फ एक बातें करना चाहते हो कि वो लोग ये मान ले, वो लोग ये मान ले। आज तक क्या बढ़ाया आपने? आज भी 7500 रुपए उनको मिल रहे हैं, तो जब आपने कुछ बढ़ाया ही नहीं, वो आप कहते हो कि हम बढ़ा देंगे जब ये मान जाएंगे। एक मार्च से मानदेय शुरू करेंगे, आप देख लेना, एक मार्च से शुरू करेंगे। सैनी साहब मेरे को रोक रहे थे, और सुनो अब मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ, जब आज की डेट में जब 1000 से 7500 कांग्रेस ने किया,
तो आपने उनको बढ़ाने के लिए अब उनकी सारी पहले चार ग्रुपों में उनको डिवाइड करने की कोशिश की, फिर उसके बाद आपने उनको लाल फीताशाही का संज्ञा दे दी, वो हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के लोग अपेक्षा भी रखते हैं वोट लेने की बात। किसानों को लेकर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम, क्योंकि वोट लेने वक्त राजीव रंजन जी आप अच्छे दिन वाली बात बोले जो है इसमें ज्योति जी देखिए आंगनवाड़ी जो हमारे वर्कर्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का, वेलफेयर स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मुझे लगता है सरकार बहुत सीरियसली लेनी चाहिए, और जिस प्रकार की इस इशू को हैंडल किया जा रहा है ये बिल्कुल ही डिस्करेजिंग सिनेरियो है, क्योंकि हम देखिए आंगनवाड़ी पैसे की तो हम बात कर रहे हैं, उनकी भूमिका की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ। उनकी कितनी बड़ी भूमिका है, कितनी रिस्पॉन्सिबल उनके पास जॉब है, उनसे हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है सरकार को ज्यादा संवेदनशील होकर के उनकी मांग को उन पे काम करना चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर क्या लगा आपको, क्या सरकार मानने के मूड में नहीं है आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगों को? मैं तो मुख्यमंत्री जी के बयान को बिल्कुल शर्मनाक कहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने कोई वादा नहीं किया है, वादा उन्होंने गेस्ट टीचर का किया था अपने मैनिफेस्टो में भी, उनको कर दिया रेगुलर। एक ये जो हाँ वो स्वामीनाथन की तो आयोग की बिल्कुल अलग बात है, ये नौकरियों की रिगार्डिंग बात मैं कर रहा हूँ। तो हर गांव की वो जितनी भी लड़कियां हैं वो हमारी लड़कियां हैं, हमारी ही बेटियां हैं, हरियाणा की कोई बाहर की नहीं है। और वामपंथ 1962 के बाद में सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ के आज केरल तक सीमित रह गया है। वामपंथ का यहाँ हरियाणा से क्या बड़ा लेना देना नहीं है, उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना कि वामपंथियों के बहकाए में, वो हमारी लड़कियां हैं, उनकी जॉब की सिक्योरिटी कर दीजिए आप, एडहॉक कर दीजिए, उनकी सैलरी बढ़ा दीजिए, या उनके साथ कम से कम जायज अच्छे एटमॉस्फेयर में बातचीत तो कीजिए, उनकी जो समस्याएं हैं काम के ऊपर समाधान कीजिए, उनका प्रॉपर तरीके से काम लीजिए। हाँ, हड़ताल पर निकले हैं जो लोग, धरने कर रखे हैं सरकार, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अपना जो वर्कर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट। किसान भी 9 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और उनका करना उनका हक है, जायज हक है। बाकायदा ये जिस प्रकार के इन्होंने कहा कि हम जो है 1.5 गुना दे रहे हैं मुआवजा उसका, ये सब चीजें आपको पता होगा ज्योति, आपके माध्यम से यहाँ पर हमने डिबेट की थी, उस डिबेट के अंदर यहाँ पर झूठ बोला गया था, उसका भी कल RTI में इन्होंने, इनकी सरकार ने ही ये बता दिया है कि किसी भी लागत से कम, कोई हरेक फसल का जो मूल्य दिया जा रहा है सरकार के द्वारा वो लागत से कम है, जबकि यहाँ पर बड़े बड़े दावे ठोके गए थे। तो जब किसान को उसकी लागत मूल्य नहीं मिलेगा, लागत मूल्य के ऊपर उसे मुआवजा नहीं मिलेगा, उसके लिए कोई फैसिलिटीज नहीं होंगी, फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, तो उनके ऊपर बड़े बड़े जुमले मारने के बाद में किसानों के पास में इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। सड़क के ऊपर उतरने के, जब सड़क के ऊपर ये उतरते हैं तो दिल्ली जाने से हरियाणा पुलिस रोकती है, तो जब चंडीगढ़ जाने से भी मैं आपको दिखा दूंगा कि हरियाणा की राजधानी में आने से भी इनको किसानों को रोकने का कार्य केवल और केवल हरियाणा पुलिस करेगी, जो कि हरियाणा सरकार के निर्देश में। हमारे साथ जब जुड़े फोन लाइन पर, मैंने सवाल भी उनसे किया कि आपको चंडीगढ़ घुसने से अगर रोक दिया जाएगा तो क्या किया जाएगा, तो उनकी ओर से कहा गया कि हम गांव में बीजेपी को घुसने नहीं देंगे। सैनी साहब, बड़ी बात है ये अपने आप में। देखिए, जहाँ तक किसानों के हित की बात है, किसानों के कल्याण की बात है, ये देश की आज़ादी के बाद केवल यही एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने किसानों की सुध ली। एक मिनट मुझे सुनिए, सरकार बनते ही हमने हरियाणा के अंदर मनोहर जी की सरकार ने जो सोसाइटी का इंटरेस्ट था, जो उसका लोन का इंटरेस्ट था, पहले जो है ना अटल जी की सरकार में जो 18% पे जो उनका पैसा मिलता था ब्याज पे, वो 11% किया। लेकिन हरियाणा मैं किसानों के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए, हमने सोसाइटी का ब्याज बिल्कुल 0 ब्याज किया है। हमने जो है ना इतिहास में देश की आजादी के बाद पहली बार 110 रुपए गेहूं का रेट बढ़ा है, पिछली बार 100 रुपए बढ़ा था, जीरे का रेट 90 रुपए बढ़ा है, और इस साल में 2017-18 में 5,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से रेट बढ़ा है। और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अंदर सब कुछ लिखा है, उसकी जो है ना सॉयल हेल्थ कार्ड हमारी सरकार ने बनाई है, स्वामीनाथन है। और दूसरा फसल बीमा योजना फसल बीमा योजना वो हमारी सरकार ने शुरू की है, और मेरी बात पूरी दो, डोल साहब ने कहा मुआवजे की जिम्मेदारी बनती है सरकार की देने की, पिछली सरकार ने 3 रुपए 45 रुपए 40 रुपए मुआवजे देने का काम किया, हमारी सरकार ने 1,000 वादा खिलाफी के आरोप नहीं लगेंगे क्या? बोलिए सर, बोलिए।
गन्ने के ऊपर इन्होंने जो है भाव बढ़ा करके सीलिंग जो लगाई है प्रति एकड़ के ऊपर, इसके ऊपर इनको उत्तर देना चाहिए। इन्हें पता है कि गन्ने के ऊपर कितनी पैदावार होती है और आगे से जो कायदे से इस सरकार ने जो गन्ने का रेट बढ़ाने के बाद में सबसे ज्यादा डुबोने वाली जो है गन्ने किसान प्रति एकड़ 320 रुपए करने का काम किया इन्होंने, सिर्फ 10 रुपए बढ़ाया। नहीं, बढ़ाने के बाद में सीलिंग लगाई है प्रति एकड़ जो है आप जो है 30% 40% से ज्यादा आप बेच ही नहीं सकते। वो गन्ने का किसान क्या करेगा उस गन्ने का, आप ये बताइए कहां लेके जाएगा। एवरेज जो है 450 क्विंटल के आसपास एक उसके अंदर से एकड़ के अंदर से पैदावार होती है, उसमें से 150 एकड़ केवल शुगर मिल खरीदेगी। क्यों खरीदेगी 150 एकड़ जी? किसानों के मुद्दे को लेकर अभी विधानसभा में और भी हंगामा होना है, इसके पूरे आसार हैं। ज्योति जी देखिए, मैं शुरुआत करूंगा, जब पहली बार यहाँ पर सरकार बनी थी भाजपा की, तब महिलाओं ने यूरिया के लिए डंडे खाए थे। रही बात स्वामीनाथन की, स्वामीनाथन के लिए भी अगर जो हमारे कृषि मंत्री हैं, ये कभी साइकिल यात्राएं निकालते थे, कभी नंगे होकर प्रदर्शन करते थे कपड़े उतार के, आज उसके ऊपर जब सवाल उठता है तो वो बिल्कुल बिचक जाते हैं, बात भी नहीं करते उसके बारे में। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 2022 में कहा है केंद्रीय वित्त मंत्री ने, 2022 के लिए भी अगर हमें उसको लेके आना 50% पे, तो हमें 20 से 35% तक MSP को बढ़ाना पड़ेगा, जो अब जो दर है वो बढ़ाने की 2% से भी कम है। तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने फसलों का तो बीमा कर दिया है, लेकिन किसान का कोई बीमा नहीं है सरकार की तरफ से। अगर किसान को कोई भी चोट लगती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कोई भी आधिकारिक रूप से अगर वो दावा करे कि मुझे कंपनसेशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक साथ में नेटिव स्टेट है हमारा पंजाब, जहां पे अगर कोई भी नई मशीनरी हम खरीदते हैं नई मशीनरी के लिए, वहां पर 30 से 40% का प्रावधान पिछले कई सालों से है, लेकिन हरियाणा में नई मशीनरी के ऊपर जो है वो मैक्सिमम रिबेट 50,000 रुपए की है। तो किसान जब तक नई तकनीक नहीं लेके आएंगे, किसान कर्मचारियों और युवाओं के खास तौर पर रोजगार से जोड़कर क्या बजट में उनके लिए राहत हो सकती है? किसी तरह की छोटा बजट में देखिए, हम अक्सर देखते हैं बजट में क्या होता है, लेकिन ज्योतिष में किसान के बारे में देखिए, किसान के प्रति जो सरकार की अप्रोच रहती है वो बड़ा स्कैंडलस अप्रोच होती है। आज मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही, पिछले 70 साल में हम किसानों के प्रॉब्लम्स को डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन उनका 7% भी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन से प्रॉब्लम्स है, इसके कहां कौन इसका जनकदाता है, जो कि हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। परेशान था और परेशान है। ढींगरा साहब छोटा सा कमेंट कीजिए, उसके बाद सैनी साहब से आखिरी कमेंट लेंगे। देखिए, ये सबसे पहले जो अभी आज पकौड़ा योजना पे बात हो रही थी, मैं आपको ये बताऊं, जिस समय ये लोग आए तो इन्होंने 60 से 58 साल नौकरी करके 50,000 जो एम्प्लॉइज हैं उनको निकालने का काम किया। सरकार अगर रोजगार देना चाहती थी तो वो उसको ये एक माहौल बनाना चाहिए था, उसके बाद इनको लगा 3.5 साल के बाद। आखिरी कमेंट कीजिए, आगे कितनी उम्मीदें की जाए सदन से? देखिए, ये सुनो, पहली बार किसान कल्याण प्राधिकरण सरकार बना रही है, भावांतर भरपाई योजना ये लागू की है, आलू पे, प्याज पे, टमाटर पे, गोभी पे, HR रजिस्टर में जितना भी रेट का डिफरेंस होगा वो सरकार देगी। ये कभी आज तक किया नहीं किसी भी किसानों के लिए। अगर वास्तव में और सुनो, पराली नहीं, देखिए बिल्कुल अच्छे दिन आ गए हैं। पराली खरीदने की भी बात केंद्र ने कहा है, 500 रुपए क्विंटल के हिसाब से पराली लेंगे हम। सर आखिरी सीधा सा जवाब दे दीजिए कि अच्छे दिन आ गए या अभी बाकी हैं? बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से रेट सरकार भी चाहती है, स्वामीनाथन जी ने भी कहा है लाग से इतना मूल्य बढ़ना चाहिए, इसमें गुंजाइश है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा 2022 तक हम जो है किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन लेकिन उस दिशा के अंदर हम लोग बढ़ रहे हैं, उस दिशा के अंदर जीरो बजट खेती के लोग बढ़ रहे हैं। ज्योति जी, कोई भी व्यवस्था इस पूरे विश्व में ऐसी नहीं है जिसमें रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस करता है, चाहे वो मजदूर हो चाहे किसान हो, कि उसकी फसल महंगी बिके और वो कंज्यूमर को भी सस्ती मिल जाए। सारा जो खेल है वो सरकार के बीच में, इसकी व्यवस्था सरकार को ही करनी है। और यहाँ तीनों पार्टियां बैठी, तीनों की तीनों सत्ता में रही हैं, तीनों की तीनों किसी ने भी उनके ऊपर गंभीरता से विचार नहीं किया है। स्कैंडलस है, स्कैंडलस किया जाता है। बहुत शुक्रिया सभी का वक्त देने के लिए। तो आज सदन के बाहर क्या हुआ, किस तरह की राजनीति हुई और किस तरह से सदन के अंदर जो है हंगामा किया गया, उसको लेकर बड़ी बात में बड़ी बहस के। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। बेकार हो गए हैं, इनको रोजगार तो देना ही है ना, रोजगार देने के नाते से हम तो इनको पैसा दे रहे हैं। कभी भी नहीं कहा कि आंगनवाड़ियों को पक्का करेंगे।